रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने कहा है कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध में उसकी रेड लाइन क्या है। रूस की समाचार एजेंसी तास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब रूस के प्रति संयम की भावना खोता जा रहा है, जो कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं है। इंटरव्यू में लावरो ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में रेड लाइन पार कर दी है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि रूस की रेड लाइन ऐसी नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, और वे अच्छी तरह से जानते हैं। लावरो ने कहा कि अमेरिका का ये कदम रूस और अमेरिका के बीच गंभीर तनाव को बढ़ावा दे सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लावरो ने कहा कि यदि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा और अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा, तो रूस भी अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाएगा, जो वैश्विक स्थिरता के लिए सही नहीं होगा। हाल के कुछ महीनों में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का उपयोग करके रूस के अंदर हमला किया है, जिससे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये हमले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क नामक टाउन को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कि वैश्विक स्तर पर यह संदेह गया कि रूस इस युद्ध में पिछड़ रहा है। रूस के विदेश मंत्री का बयान को इन सब घटनाक्रम से जोड़ के देखा जा रहा है। यूक्रेन में जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को व्यापक सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की है। विशेष रूप से अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें हथियार, गोला बारूद और अन्य उपकरण शामिल हैं। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा माना है। अमेरिकी और यूरोपीय के सैन्य सहायता के कारण रूस को इस युद्ध में सफलता नहीं मिली जिसकी उसने उम्मीद की थी। 2.5 साल बाद भी ये युद्ध जारी है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर तीन देशों यानी भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं और इसे सुलझाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि हम अपने मित्रों और साझेदारों का सम्मान करते हैं। हम मुख्य रूप से चीन, ब्राजील और भारत इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं। मैं इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता हूं। पुतिन की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के 2 हफ्ते के बाद आई है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता की थी। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा था कि यूक्रेन और रूस को बिना समय बर्बाद किए युद्ध को समाप्त करने की वार्ता करनी चाहिए तथा भारत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।